यहाँ पर दोस्तों इनके खाना बनाने की व्यवस्था है कि दो दो रास्ते होंगे। अच्छा, ये मतलब एक दरवाजे वाला घर नहीं है कोई भी? बस ये नीचे भी निकाल सकते। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कितने सारे बनाए हुए हैं, और दादी जी के इस प्रकार से पाँव पे भी ये चित्र बनाए हुए हैं ना। घरों के अंदर जस्ट एक इधर से घुसने का रास्ता होता है, और फिर पूरा घर पार करके उधर भी एक रास्ता होता है, मतलब हर घर के दो दरवाजे होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में दोस्तों आपने देखा था कि मैं बैतूल पहुंच गया था, और मिलनपुर गांव, मिलनपुर है ना ये? हाँ, मिलनपुर। तो मिलनपुर की वीडियो आपने लास्ट वीडियो देखी थी, और फिर मैं थोड़ा सा लगभग एक डेढ़ किलोमीटर आगे आया तो यहाँ पर टोल प्लाजा। दिन में दोस्तों मैं लगभग 3:30 के करीब मैं टोल प्लाजा पे पहुंचा था, ताकि मेरे को यहाँ से गाड़ी आगे के लिए मिल जाए। लेकिन 2 घंटे तक कंटिन्यू बारिश हुई थी, तो फिर बारिश होने के दरमियान फिर 6 बजे तक बारिश हुई, मैं कहीं आगे जा नहीं पाया। तो मैं टोल प्लाजा के ही इन भाइयों के स्टाफ के पास मैं रुक गया हूँ फिलहाल। अभी शाम का हम लोग डिनर कर रहे हैं, मेहनत कर लिया है भाई लोग कर रहे हैं, और आज की रात इसी टोल प्लाजा के इन स्टाफ के साथ में मैं रुक रहा हूँ, और फिर मॉर्निंग होने के बाद हम फिर आगे की यात्रा शुरू करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल आज का अभी फिलहाल ये सीन है कि यहीं हम बिस्तर डाल के अच्छे से सोने वाले हैं, और एक आशियाना मिल गया एक नाइट का। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी भाइयों का इतनी अच्छी व्यवस्था करने के लिए, और इस प्रकार के अच्छे भाई लोग मिल जाते हैं ना सफर में दोस्तों, तो फिर सफर का आनंद दुगुना हो जाता है और बहुत ही आसान हो जाता है। तो लोग मेरे को कहते हैं कि आप लोगों का कि किस प्रकार आपकी लोग हेल्प करते हैं वैसा, तो आप खुद अगर अच्छे हो ना तो आपके साथ दोस्तों हर कोई अच्छा व्यवहार करता है। तो फिलहाल आज का इस अच्छे सीन के साथ में इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सुपर बात दोस्तों, सुबह हो चुकी है और आप मेरे पीछे का नजारा देखिए, अगस्त का महीना चल रहा है, मानसून का महीना है, और फिर भी देखिए फॉग, देखिए ऐसा लग रहा है जैसे सर्दियों का विंटर का समय है। जैसे जम्मू कश्मीर शिमला उधर ऐसा माहौल होता है ना, वैसा देखिए इधर मध्य प्रदेश के अंदर ये माहौल है। और सर्दियों के अंदर राजस्थान में भी खूब सारी फॉग होती है, पंजाब में भी होती है, लेकिन यार फिलहाल देखो मानसून के समय में कितनी सारी फॉग है। और सुबह हो चुकी है, और इन्हीं टोल प्लाजा वाले भाई साहब के साथ में जैसा कि आपने देखा था मैं नाइट में रुका था, और अभी सुबह इधर पास में ही चाय कॉफ़ी पीने के लिए जा रहे हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करेंगे। सुबह के 7:30 बज रहे हैं, फिर आगे निकलेंगे। तो भाई सीन काफ़ी शानदार है सुबह सुबह के। Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to when they... दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के खंडारा गांव के अंदर दोस्तों, जो पूरा ही गांव आदिवासी गांव है दोस्तों। और यहां पर आसपास जो ये आपको घर दिख रहे हैं, और गांव के अंदर भी चलेंगे दोस्तों, पूरे कच्चे कच्चे घर, और जो आदिवासियों का ट्रेडिशनल घर है, परंपरागत जो घर है, पुराने समय से जिस प्रकार से वो रहते हैं उसी प्रकार से आज भी बने हुए काफ़ी सारे घर आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आइए विजिट करते हैं इस गाँव को, किस प्रकार से आदिवासियों का रहन सहन है, क्या कल्चर है, क्या इनको रीति रिवाज है वगैरह, सब कुछ हम छोटी छोटी बारीकियों से से हर चीज हम इनकी जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। गांव के आप ये घर कुछ देखिए किस प्रकार से बिल्कुल बिखरे हुए और कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं, और पूरे मिट्टी के इन घर बने हुए दोस्तों आप देख सकते हैं पूरे, और छोटे छोटे घर बने हुए हैं अंदर ही अंदर, और हाइट ज़्यादा नहीं है, बहुत छोटे से घर है, और ऊपर से इस प्रकार से कच्चे केलू वगैरह लगा रखे हैं। और इधर ये भी कुछ घर है पूरे एकदम इस प्रकार से बने हुए, यहाँ पर इनके पानी रखने की कुछ व्यवस्था है, और गांव के अंदर एक कॉलोनी टाइप इस प्रकार से बना रखा है दोस्तों आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या सर? रामदयाल। रामदयाल जी, तो यहाँ पर ये कौन से आदिवासियों का गांव है ये? आदिवासी, आदिवासियों में कौन से आदिवासी, जैसे कोरकू हो गए, गोंड हो गए? गोंड। अच्छा, ये सारे गोंड ही है, और इसमें सिर्फ गोंड ही रहते हैं और भी रहते हैं आदिवासी? एक एक दो दो मकान है, एक दो दो दूसरों के, बाकी ज़्यादातर गोंड है। गोंड। अच्छा, तो ऐसे आज भी मतलब इतने सारे कच्चे प्रकार के घर बने हुए हैं, तो आपके इस प्रकार से मतलब जो पक्के पीएम आवास वाले आए वो आए हुए नहीं है यहाँ पर पक्के मकान? बोल तो रहे पर हाँ हो बोलते हैं। अच्छा, करवाते नहीं। तो काफ़ी ऐसे सड़कें भी इधर गाँव में वगैरह टूटी हुई है, बहुत ही हालत ख़राब, बरसात में काफ़ी प्रॉब्लम होती होगी, बरसात में पानी भर जाता ना इधर घरों में। नमस्कार बाबू जी, आप आदिवासी में बोलते हैं जय जोहर? हाँ, जय जोहर। कैसे हो, सब बढ़िया? तबियत पानी? हाँ, तबियत पानी सब बढ़िया है, थोड़ा सा समस्या है रहने के लिए। हाँ, और क्या, गांव के अंदर? हाँ। अच्छा अच्छा, तो आओ ना। हाँ देखते हैं, चलो। आपका नाम क्या है? हाँ जी, उमराव सलाम। उमराव। हाँ। अच्छा, ये ऐसे रहते हैं आप लोग ना?
देखो तो जरा इसको भी लिख। अच्छा अच्छा अच्छा, पेज कर लो। ये है जरा परिवार। तो ये बहुत ही ऐसे मुश्किल है अंदर रहना करना। ओहो, और ये इधर रहते हैं दोस्तों, आपको देख सकते हैं, मेरा तो एक गेट रहा है इनके अंदर। और ये है यहाँ पर, अंदर आ जाए थोड़ा सा। तो ऐसे ये अंदर पानी आ गया बरसात का, है ना? ये यहाँ पे पानी निकलता है ना भैया। अच्छा, और यहीं पे खाना बनाते हो, इसी के अंदर रहते हो ना? हाँ। अच्छा, बच्चे लोग पढ़ते हो, स्कूल जाते हो? हाँ। कौन सी क्लास पढ़ते हो? दसवीं। अच्छा, आप टेंथ में हो? गुड़िया, आप? आप भी टेंथ में? और आप गुड़िया? आठवीं में पढ़ते हो ना? आपके माता जी तीन बच्चे हैं? नहीं, तो? मेरा लड़का का तो शादी हो गया, दो लड़की है। अच्छा, दो लड़की है ना? ये मेरे देवर का है। अच्छा, ये आपके देवर का है। तो ये बरसात का देखो, अंदर आंगन में भी पानी पड़ा है, ऊपर से ये पूरा पानी वगैरह आता है, काफी इस प्रकार से इनका रहन सहन है। देखिए, आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनकी ट्रेडिशनल साड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये इस प्रकार से धोती नुमा साड़ी भी पहनते हैं, और ये इनकी ओरिजिनल वेशभूषा है। तो आपके जैसे आदिवासियों का मतलब ये इस प्रकार से आपका वेशभूषा रहता है ना पुराने समय में? जैसे साड़ी नॉर्मल ऐसे पहनते वैसे नहीं, आपके धोती टाइप पहनते ना? नहीं, अब तो खैर साड़ियां होने लग गई। हाँ, नमस्ते नमस्ते। हाँ, ये पहराव कम होने लग गया, अब कम होने लग गया, लेकिन फिर भी पुरानी जो है औरतें वो आज भी पहनती है इस प्रकार से। हाँ, तो इस जो ये जो साड़ी इस प्रकार से पहनते हैं, इसको आप अपनी भाषा में क्या बोलते हो? दिकड़ी। दिकड़ी, अच्छा, दिकड़ी बोलते हैं ना? मतलब हिंदी में लुगड़ा। हाँ, और आजकल ये साड़ियां चलने लग गई। तो आपके, आप भी गोंड आदिवासी? तो आपके गोंड आदिवासियों में आदमी जो है धोती पहनते थे घुटने से ऊपर तक, उसको क्या बोलते हैं? धोती। उसको धोती बोलते हैं, लेकिन आजकल कोई नहीं पहनता। आज के लड़के कहाँ पहनते हैं, पुराने लोग जो बचे हैं वही पहनते हैं। और पहले के समय में जवान लड़के भी पहनते थे, शौक से, बहुत अच्छा ये। और सिर पे सफेद गमछा। हाँ, सफेद गमछा। आजकल क्या दोस्तों, मैंने जितने भी ट्राइब्स वाले गांव मैंने विजिट किए हैं, उनमें से ये गांव देख के आज भी ऐसा लगता है कि पुराने समय के जिस प्रकार से लोग जीते थे, इस प्रकार से ही जीते हैं पुराने, और वैसे ही जीते हैं जैसे पहले जीते थे, पहले के जमाने में जीते थे, वही हाल है अभी भी। अच्छा, है कि नहीं? तो ये और आसपास ये पूरा जंगल है ना? हाँ, वन विभाग है पूरा। तो वन से, जंगलों से कुछ आपको बेचने लायक कुछ मिलता नहीं है, जैसे जिससे आपको पैसा मिल जाए, कर जाए, ऐसा कुछ नहीं? नहीं नहीं, जंगल में वैसे बेचने लायक कुछ है नहीं, तो क्या बेचेंगे? अच्छा, महुआ वगैरह? हाँ, जंगल में कहाँ महुआ के झाड़ है, टायर के झाड़ नहीं है, महुआ के झाड़ नहीं है। अच्छा अच्छा, बहुत मुश्किल है ना? किसी का खेती में तो क्यों भी इन्हें देंगे खेत वाला। तो ये यहाँ का कंडीशन है दोस्तों पूरी। यहाँ पर दोस्तों इनके खाना बनाने की व्यवस्था है। तो आपके गैस चूल्हा वगैरह नहीं है ना? है, अच्छा, है। वो तो है, लेकिन है, इस प्रकार से तो ये जैसे लकड़ियाँ ऐसे गीली नहीं होती बरसात में, होती तो क्या करेंगे भैया, बचा के रखनी पड़ती है ना? हाँ, 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 अच्छा, नहीं तो कैसे ही दोस्तों, बहुत झुक के चलना पड़ रहा है। और अंदर से आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये इनके यहाँ पर अंदर घुसते ही रसोई का है। गुड़िया कैमरा देख के उधर भाग गई। और नीचे पूरा देखिए दोस्तों, कितनी शानदार अच्छे से सफाई कर रखी है, और कच्चा जो है वो गोबर का आंगन बना रखा है, और इधर इनके एक बेड लगा हुआ है, और ऊपर से बहुत नीचे है ये घर, और पूरा ऐसे लंबा साल टाइप बनाया हुआ है, और इधर भी है। ये पूरा एक ही एक का ही घर है ना, या अलग अलग परिवार रहते हैं इसमें? हाँ, एक परिवार उस तरफ रहता है, एक इस तरफ रहते है। अच्छा, लेकिन ये जो लंबा है ये पूरा एक ही परिवार का है? अच्छा अच्छा, और ये यहाँ से वापस दोस्तों बाहर निकल जाएगा घर, और इस घर के जस्ट सामने एक और घर है, इधर भी देख ले, साइड। और ये देखिए कितने छोटे छोटे घर बने हुए देखेंगे आपको दोस्तों। इन घरों की छत आप देखिए दोस्तों, नीचे प्लास्टिक पॉलीथीन इस प्रकार से तिरपाल वगैरह लगाकर, ऊपर ये केलू वगैरह लगाए हैं ना, इनको आप क्या बोलते, केलू ही बोलते? खपरे। खपरे, अच्छा, आप इनको खपरे बोलते हैं? हाँ, हमारे राजस्थान में इनको केलू बोलते हैं। हाँ, केलू भी बोलते हैं वैसे। हाँ, स्कूल की क्या व्यवस्था है, स्कूल क्या कहाँ तक बनी हुई है, बारहवीं तक है कि दसवीं तक है? दसवीं तक ही है। फिर जैसे टेंथ के बाद कहाँ जाना पड़ता, बाहर? बैतूल जाना पड़ेगा। बैतूल तो काफी दूर है यहाँ से, 20 किलोमीटर है। अरे तो बैतूल भी कौन, किसी के पास है पैसा वही जा सकता है। अच्छा, तो गवर्नमेंट स्कूल में तो कहाँ पैसा लगेगा, किराया तो लगेगा। हाँ, किराया तो लगेगा, वो तो है, वो हिसाब से फिर आदमी मजबूर हो जाता है।
फिर छोटे छोटे बच्चों को मजदूरी पे भेजना पड़ता है। वही बात है ना। तो आप जैसे गोंड आदिवासियों के अंदर जो जैसे बच्चों की शादी जो होती है वो मतलब कितने छोटे होते हैं तब शादी कर देते हैं आपके अंदर? वो आजकल तो 18-20 में ही हो रहा है। नहीं, पुराने समय में छोटे होते थे, छोटे में कर देते थे। अब तो 22 साल से ऊपर होती है लड़की तब ही शादी करती है। अच्छा, 22 से ऊपर होगी तब। नियम चला है अभी। तो आप अपनी उम्र में, आपकी तो छोटे थके की शादी हो गई थी पुराने समय में ना? पुराने तो 15-16-17 में शादी कर दी थी। दोस्तों, आदिवासी जो लोग हैं वो अब इस प्रकार के रहन सहन में रह रहकर इनकी क्या है आदत हो चुकी है। बाकी हम बाहर से आते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है यहाँ पर। तो आपके अंदर लाइट वाइट है ही नहीं क्या? पूरा अंधेरा है। अच्छा, हाँ अच्छा, ये मतलब स्ट्रक्चर खतरनाक बनाए हुए हैं। मेरे को तो ये आपके घरों के स्ट्रक्चर पसंद आए। अब अंदर घुसते ही एक छोटा सा इस प्रकार से गेट मिलेगा और अंदर घुसते ही ये एक इस प्रकार का आपको दोस्तों रूम देखने को मिलेगा। ये देखिए, एक इस प्रकार से ये रूम हो गया और रूम से वापस आगे निकलने का ये रास्ता। और हर घर के दो दरवाजे होंगे आपके, एक आगे से एक पीछे से ना? अच्छा, वापस यहाँ पर भी एक इस प्रकार से एक छोटा रूम आपको देखने को मिलेगा और वापस एक और रास्ता। हर घर के दो दो रास्ते होंगे। अच्छा, ये मतलब एक दरवाजे वाला घर नहीं है कोई भी? बस ये पीछे भी निकल सकते। तो ये आपके गोंड आदिवासियों में होता है? सभी में होता है? नहीं नहीं, अपने ही छोटे लोग में ही है। अच्छा, देखो छोटा बड़ा तो क्या होता है, कुछ नहीं होता है, सब इंसान ही है, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। बस ये है कि थोड़ा अब पुराने समय से आप जैसे चलता आ रहा है आदिवासी तो वही चल रहा है और थोड़ी गरीबी है बस। बाकी छोटा बड़ा आज के जमाने में कोई नहीं होता, सब इंसान ही है बस, ये है। बाकी ये डबल दरवाजों वाले घर मेरे को बहुत पसंद आए दोस्तों। आप देख सकते हैं सभी के दरवाजे दो दो है। Thank you.